क्या हो रहा है सब? चलो 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 रास्ता छोड़ो। मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसीलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं, तुम भी हो जाओगे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। चल 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 आगे, चल सीधे, चल चल चल। क्या किया इसने? ए, क्या किया तूने? सच सच बता। ये कुछ नहीं बोलेंगे सर, इन्होंने साहब के साथ धोखा किया है। धोखेबाज हैं ये इंसान। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल हुआ क्या है, Thank you.
क्या ये सच है? बोल, बता हमें सच क्या है। पैसों के लालच में मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस और उस वकील का साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पापी, रुक जाओ, रुक जाइए, मत बोलिए। अगर पैसे ही कमाने हैं ना, तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए, ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए, मुझसे एक भी सवाल किए बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए। बिना प्रॉफिट की परवाह किए उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए, जिस इंसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इंसान मेरे पापा है। और आप लोग इन्हें धोखेबाज कह रहे थे ना, ये आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, चाहे इन्हें कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों ना करनी पड़े, अपनी आखिरी सांस तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा हैं। भगवान खुद बैंड बजा बजाएंगे। वो बादलों पर लिखकर मेरी पोती को लेटर भेजेगा। बिजली की तरह पूरे आसमान में चमकेगा। तूफान की तरह आसमान चीर कर सुनो भाई, हमारा काम है हमें ही करना पड़ेगा। चलो उठाओ उसे। बात तो सही है।
कहाँ से आए हो बेटा तुम? बेंगलुरु से चाचा। तुम शहर वाले हो फिर भी हमारे गांव के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो? चाचा पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जड़ें जमीन में ही होती हैं। हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें, जड़ तो ये मिट्टी ही है ना। मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा, इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा, और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है चाचा। बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं, पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं, आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए चाचा, वही मेरे लिए काफी है। हमेशा सुखी रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे दूल्हा आ गया, बैंड बजा रहे जल्दी। बैलगाड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हो और तुम हैंडसम भी बहुत हो। थैंक यू, आई लाइक योर एटीट्यूड। देखो वो कितना हैंडसम है दादी। हाय अंकल। ये क्या? हाय आंटी। हाय। तुम अकेले आए हो, दामाद जी कहाँ हैं? यही तो है। अरे वो रहा। देखो ना मेरे पति को बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या? अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं? अरे तूने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया, मैं चिल्लाता रहा कि रुक जा, लेकिन तूने सुना ही नहीं। देख मुझे कितनी चोट लगी है यार, मैं क्या करूं? ससुर जी आप ही देखिए, जब गिरा तो इतनी जोर से पत्थर लगा मुझे, आप ही देखिए यहाँ पर चोट लगी है। देखिए पापा कितनी चोट लगी है, अंकल कम से कम आप तो देख लीजिए ना। इसने तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पता नहीं कब सुधरेगा। मम्मी ससुर जी नैना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे। आप अंदर तो चलिए भिजवाता हूँ। हाय, क्या हाल है दोस्त? क्या हाल होगा ना, चाय पूछी ना कॉफी पूछी? मैं तुझसे नहीं पूछ रहा। समझ गया, आगे बोलो। आर्या, नाम तो सुना होगा ना, बहुत सी लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का टैटू बनाया। ओह, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। सरसों का साग। ओहो क्या कह रही हो तुम, वेजिटेरियन हो? खाने के लिए वेजिटेरियन हूँ, सिर पे चढ़े तो खिलौना भी आता है। क्या बात है भाई, दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। जैसे को तैसा, गांव की लड़कियां इतनी आसानी से नहीं पड़ती है बॉस। अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। ओके बॉस। ए बहुत क्यूट हो। पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है, तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या नहीं? दूंगा, जाना जाओ ना। अरे बाप रे, अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरह फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? वो बंद कर, चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे CID बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है।
कुछ लड़कियाँ पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं। कुछ लड़कियाँ रैप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं, अलका याग्निक की तरह। पर याद हमेशा रह जाती है। वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बोर्ड में जाए। भाई डायलॉग सही से बोला ना मैंने? मुंह बंद कर और पीछे देख, जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने? क्यों बताऊं मैं? चाकू दो मुझे, चाकू। अरे क्या हुआ? अरे शांत हो जाओ। ये तो जितना कह रहा हूँ उतना। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज अपना नाम बता दो। देखो तो कितना बेशर्म है। मैं बताना नहीं चाहती पर ये नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। बोल उसे, अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ कितना बड़ा धोखेबाज है ये। मुझे ये सब नहीं देखा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे क्या लेना, तुम शादी करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा। अरे भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना। देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ। अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। She will appreciate me. आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चलो। हाँ चलिए, ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर। एक मिनट, यहाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले चोले दिखा कर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माई अटेंशन, यू नो। कॉम्पिटिशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक, सही कहा ना? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्म आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इम्पोर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा अच्छा। अरे यार तो क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अब तू देखता जा बस। अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही घूमूंगा। तो लग जा काम पे। तू ऐसे क्या देख रहा है? गंदा। अब थाइस थाइस थाइस। चल बढ़िया बढ़िया, चल चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन। जनरेशन गैप, अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए आप ओल्ड बॉडीज। क्या कह रहे हो? ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ, यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स, कैन आई टच इट प्लीज? कूल, दिस साइड। अमेजिंग, कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। सो नाइस। थाइस ना? बहुत नॉटी हो, मुझे बाद में मिलना अकेले में एक्सरसाइज सिखाने के लिए। ओके, नॉटी। हे बेबी, लेट्स डू पुशअप्स। मुझे बाद में मिलना, कराटे कुंग फू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। ओके, धोखेबाज कहीं का, चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया?
मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकल आए सर। गाँव है। रुको, रुको, वहाँ, दादू। अरे कौन है रे वो रंगा दादा है, चलो यहाँ क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है। लेकिन बात क्या है, हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं, 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो? पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं, तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। ए चल उठा, उठिए रंगा दादा। रंगा दादा आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया ये आपके पैसे, चलते हैं भैया। अरे क्या हो, ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे, तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही, ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है, क्यों छूटा? हाँ, बिल्कुल। हाँ। बेशरम कहीं के बेशर्मी की साड़ी हद मार करते हैं मुझे। ओ गॉड, ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। भोला? बेबी मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे, चलो रे। तुमसे भी बाद में मिलना, चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया। हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। Sorry.
सॉरी। कब से मेरे दिल को घूरी जा रहा है, तीन बार उसे मेरा तिल देखा, जैसे को तैसा। क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या? थू, शर्म आया है या नहीं? लड़का इतना हैंडसम है इसलिए मैंने बोला। ठीक है तू ही बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए। हजार रुपए लगेंगे। ठीक है। बकरा कौन है? आर्या। मुश्किल है। क्यों? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बैंड बजा देगा। जाने दो, करते तो 5,000 रुपए। 5,000? आपने मेरी बहन की याद दिला दी जो मेले में गुम हो गई थी। मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े, ये एक भाई की शपथ है। तू भी शपथ ले। मैं भी शपथ लेता हूँ। यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊँ क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता, पूरी रात यहाँ वहाँ टांगे मारते फिरता है। ठीक है तू यहाँ सो जा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ। थैंक्स यार। आजा मेरे साथ सो जा भाई। ए, चुप कर सो जा। वो देख जिसका मुंह ढका हुआ है ना वही है, जाओ। ठीक है तुम जाओ। चल कहीं मर ना जाए। अरे किसने मारा मुझे? बहुत मारा मम्मी। अरे बाप रे भागो यहाँ से। ए, जल्दी बताओ क्या हुआ? मिशन कामयाब। हमने उसे बहुत मारा। तुमने मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़ कर आ गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको मारो, इसको मारो। ये नाच क्यों रहे हो बे? बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उसे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं। एक काम दिया था वो भी मन लगा कर नहीं किया। ये सरकारी काम है जो मन लगा के करेंगे। कौन सा गलत काम करो? हमारी गलती नहीं है तो देखने वाले की। देखने वाले की? हाँ, इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। ए, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई भाई। अबे तू फिर से आ गया? थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। प्लीज भाई। ठीक है सो जा, दोबारा वहां मत आना। चल सो जा। तू भी यहीं सो जाना। अच्छा रहने दे, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। क्या सिरदर्द है यार। वो देख वहां सो रहा है वो। ठीक है आप जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारू ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत रोऊंगा। तीन दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे सीधा। बाबा 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 इधर। मुझे भी जल्दी करो ना। ये क्या था? वो तो सही सलामत घूम रहा है। अरे बाप रे! एक बार फिर से गलती कर दी तुमने। गलती नहीं होगी। जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो। जा। पता नहीं क्या खाता है ये। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोरखा गोरखा सर। पहरा दे रहे हैं। घर के अंदर? स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम, स्पेशल ड्यूटी पर। मैं भी। ये मुझे दो।
चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। ए, चलो। स्पेशल ड्यूटी। कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता कम हियर, आओ सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी कितनी अच्छी लगाई है ना इस मेहंदी, तू भी लगवा ले। नहीं रुक, लगवा ले मेहंदी, लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? देख नहीं रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखा। ए, वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी प्लीज। आज का दिन, आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो, क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना, ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए। बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है, आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी, आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। ये रहा मेरा कार्ड। एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना पी ही रहे हैं।
आर्य, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की, आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना, तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पियूंगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू माई सन। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। Let's begin the day. सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है, यू डोंट नो द प्रॉफिट इन एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर, इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट, आपका क्या कहना है सर? डैम। यस सर, बट डैम क्यों सर? वो कर्नाटक में KSR है, तुंगभद्रा है, और एक है, हाँ, लिंगनमक्की। हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वाणी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गोड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा, टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट व्हाई? लाइफ सेवियर। लाइफ सेवियर फॉर हूम? फार्मर्स। Farmers? Why? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। The farmer is the first scientist. अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ मैं समझता हूँ, हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है, फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो,
जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे, तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मारपीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं। कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा ना दे, तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी। माँ,
मैं ये नहीं करूंगी। मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली। तुझे बेंगलुरु में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। पापा। लक्ष्मी, क्या खराबी है जीके में बताइए? ये बच्ची भी तो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रह रही है ना। और सुन, अगर तू बिना वजह यहाँ वहाँ शहर में घूमी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन बेंगलुरु में ही रह ले। आप जाइए यहाँ से, आपकी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं माँ है। जी माँ, पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। हेलो हेलो, हुज दैट? साइलेंस। क्या हुआ तुझे? मेरा शहर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। चल चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आर्या, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वो डैम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। इतना मत सोचा करो बेटा, एंजॉय योर लाइफ, इट्स पार्टी टाइम मैन। पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वार्टी बहुत कर ली, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए? ठीक है, अब जाने दो। वैसे तुम तो शादी में गए थे ना? ए पापा, ए अरे अरे, अरे रुको रुको, सुनो तो सही, वहां कोई लड़की वड़की भी नहीं थी? पापा, सही टाइम पर बता दूंगा। टाइम? हाँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी और इस बीच तुम सारे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जिएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियां होती हैं और अपने गम भी होते हैं, लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियां मिस की चाहूंगा उन्हें तुम जियो। पापा, हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो, लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सन। क्यों बे, शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया? बहुत मजे कर रहा है। काय के मजे, तुझे क्या पता मेरी हालत? कैसे हैं भैया? ठीक हूँ भाभी, थैंक यू। वैसे आप कैसे? हाँ, ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी कृपा से। कृपा से? कितनी छोटी है ये। यार सुन, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। है तू बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए। हाँ, जान नहीं चाहिए यार, बस गीता का नंबर चाहिए। आई एम सॉरी। ये लो, अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना। ओए, तू मेरी बीवी को जानता नहीं है, वो दिखती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है। क्या? मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था। बहुत बड़ी गुंडी है वो। ये मत भूल कि तू मर्द है यार। मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मर्द हूँ। अबे क्या बोल रहा है, कम ऑन बी अ मैन। भारी आवाज में उसके ऊपर चिल्ला, कांप जाएगी वो। सच्ची? हाँ, आजमा के देख। कोशिश करता हूँ। सुनो, क्या है? नहीं कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? ए नैना। हाँ बोलो। मुझे गीता का नंबर दो। किस लिए? ए, उसकी कॉलर ट्यून मुझे चेक करनी है। तुम्हें इसे क्या, तुम बस नंबर दो। ठीक है, तो अंदर रखकर ले लो। अरे भाई कांप रही है लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले से भारी आवाज में बात करता उससे। ये हुई ना बात। ये बेटा तो गया आज काम से। ओए, गिव मी हर नंबर। तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, झूठे मकर कहीं के।
उसका नंबर चाहिए? दो नंबर? बेबी, नंबर मैं अपने लिए नहीं, भाई के लिए मांग रहा हूँ। अच्छा भैया। हाँ कहिए भाभी। आपने इनसे नंबर मांगा क्या? नहीं तो। अरे ब्रो, कहाँ चले? नंबर मिला क्या? मिला तो देना। अरे क्या हुआ यार? शिट मी ब्रो, उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीसते हैं। कोई बात नहीं यार, बीवी ने मारा है ना, उसका हाथ बनता है तुझ पे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका नंबर देना यार प्लीज। उसने मुझे कई दिनों तक पीटा, तेरी वजह से आज भी पीटा गया, भाड़ में जा तू। अबे वहां मत जा, वहां तेरी बीवी है। अरे बाप रे, यार नंबर देना प्लीज। नहीं मिल सकता, समझा? क्या करूं मैं, यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आर्या को कॉल करूं क्या? लगा के देखते हूँ। सुन अबे क्या है? उसका नंबर देना। नहीं मैं नहीं, प्लीज यार। हाँ हेलो, कौन है? तो अरे देना। अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता, प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू, वो कौन है? ए लीना, तुम्हारा ही नंबर है ना? हे, तो तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दो घंटे रुको, मैं फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मत करना मतलब? मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में? हाय गीता, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए, क्या बात है? बाइक। हाँ बाइक। तुम्हारे पास कार नहीं है? कार चाहिए? तुम कहीं जाना चाहती हो क्या? तो बाइक पर चलते है ना। कर आर्या, ये तो बात ही नहीं कर रही है यार। अच्छा कॉलेज में सब ठीक तो है ना? किसी रिश्तेदार के घर पे रुकी हो क्या? अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो? वो मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना, मैं अकेला ही कब से बकबक किए जा रहा हूँ, लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ। टपोरी मतलब? चलो शुक्र है कि मुंह तो खोला, सवाल पूछने के लिए ही सही। टपोरी मतलब मैं। ओ अच्छा। सुनो, हम दोनों ऑटो में चल सकते हैं। मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुपचाप बैठे हो। शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन, एंजॉय द म्यूजिक। या तेरा है होना, तुझको अपना है माना। वाह 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 भैया जी, क्या गाना चला है, सुपर। आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ। रुक ऑटो, मैंने कहा ऑटो रुक, रुक ऑटो। रोकता है ना आशिकी से बोला कि कैसे लगते हैं? क्यों हम तुझे भाई बहन जैसे नहीं लग रहे? बड़ा आया आशिक वाला। क्या बात कर रही है मैडम, इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? गुस्सा? इस पर गुस्सा भी ना करूं, तू इस ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए। चल बाप। ए गीता, अब जाओ यार, रुको ना, सुबह 10 बजे हॉस्टल के बाहर आ जाना। लगता है लड़कियों को टाइम पे आना आता ही नहीं है। मुझे तो 10 बजे आने को कहा और खुद अभी तक गायब है। मेरे साथ खेल रहा है तू? रुक एक मिनट।
मैं समझ गया, तू पक्का चींटियों की रानी होगी, तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है। अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा। बाय। चलो अच्छा है, तुम हंस भी सकती हो। अब चलें। हेलो मैडम, ये ऑटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा, और इस बाइक को मीलों खींच खींच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता। प्लीज बैठ जाओ, एक्सीडेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मदर प्रॉमिस। अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूंगा, इतना तो भरोसा करो यार। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड, ओनली फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड ओनली फ्रेंड। चलो मान तो गई। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे पहली बार झूले पर बैठने से डरते हैं। लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें एक इंच भी टच नहीं करूंगा, प्लीज आराम से बैठ जाओ। अरे यार, पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया, फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गर्लफ्रेंड, और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी झंड लाइफ। यार तू कुछ भी बकवास करता है, चुप है। अबे तू इन बीवियों को जानता नहीं है। अगर मान लो खाते हुए मुंह में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बोले हवा में उड़कर आ गया होगा, निकाल के खा लो ना चुपचाप। और जब हम काम से घर वापस आए, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, सीधे आंधी तूफान आ जाएगा। ये बीवियां ना बनाई ही भगवान ने हमें पीस पीस कर मारने के लिए। अगर मैं पीएम बन गया ना तो ये शादी का सियापा ही बैन करा दूंगा। चुप कर। बीवियों के बारे में ऐसा मत बोल, लड़कियां ही घर को रोशन करती हैं। तूने वो गाना नहीं सुना क्या, लड़कियां ही घर का असली चिराग। स्टॉप। कितनी देर से? बहुत टाइम हो गया। तुझसे अच्छा तो दोस्त हो ही नहीं सकता। थैंक यू। चलता हूँ, ख्याल रखना। चलता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। आते रहना। बेबी। बोलो बेबी। चलो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा। कहाँ? हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है। जो डैम आप यहाँ बनवा रहे हैं उससे हमारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए, हम आपके एहसान मंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रघु देखेगा। मिनिस्टर बार बार फोन किया जा रहा है, बहुत बार फोन कर चुका है भाई, आधे बार बात कर ले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसको मैं जवाब क्या दूं कि हम उससे पिटकर आए हैं? एक एक को देख लेंगे भाई, जिनकी वजह से ये हालत हुई है। उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूंगा। अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था, लेकिन आज से मेरा काम है। तू प्लान बना जल्दी। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया। बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया, कुछ खास नहीं। आप एक बार चल के फैक्ट्री देख लेते तो अच्छा होता। तुम हो ना फैक्ट्री संभालने के लिए? जीवा। जी साहब। मंदिर ले चलो। ठीक है साहब। पर मंदिर क्यों? गीता को फोन किया था, वो वही है। मैं उसे जरा सरप्राइज देना चाहता हूँ। साहब जी, कौन से मंदिर जाना है? अरे जो रास्ते में है। अरे ये तूने क्या किया जीवा? साहब जी, सॉरी साहब जी। ए, क्या किया तूने? दिखता नहीं गाड़ी ठोक दी। तेरा क्या मतलब, मैं अंधा हूँ? अबे ये तेरा घर नहीं, सड़क है, देख के नहीं चला सकता? साहब एक मिनट, जीवा क्या करे हो? अबे दिखता नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ठोक दी तूने? हां नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। ए तमाशा मत करो। अरे क्या करेगा, अंदर आओ। मैं जाके बोलूंगा मैं। अबे क्या कर रहा है, झगड़ा करता है? चल रे, दादागिरी दिखा रहा है। अरे सुनो, तुम कहां जा रहे हो? मैं अभी आता हूं। ए ए जीवा बस चलो, चलो लड़ाई मत करो। जीवा, ए जीवा, जीवा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना जीवा। रवि, निकाल
प्रभु कृपा। गीता, हे प्रभु। हाँ, ये सब क्या है? एक मिनट, ये त्योहार है, मेला लगा है। बहुत अच्छे। आर्या, एक फोटो लो ना। शुरू करो। हाँ, बस ओके। हे प्रभु, हे प्रभु। हाथ उठाओ। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी क्या। सॉरी, फोन दो मुझे, फोटोज डिलीट करो, मुझे तो अपना फोन देते हो या नहीं, फोन दो मुझे। पास मत आना, पीछे हटो, फोटोज डिलीट करने दो। फोटोज कैसे आई? कब खींची तुमने मेरी ये फोटोज? तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज क्यों? ऐसे ही खींची थी। बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोज रखी हैं? तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ? अरे रे रे रे, तुमने दोस्ती बोलकर मेरे साथ धोखा किया है। चीटर, चीटर! तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्ती कहकर मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ओए, छुओ मत मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। मत, इस लड़की को कुछ नहीं होगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम जाओ, जाकर उन राक्षसों को खत्म करो। Let's go.
रावण ने सीता को छुआ था तब श्री राम वहां नहीं थे, इसीलिए उस दिन रावण जिंदा बच गया था। पर आज तूने सीता को राम के सामने छुआ है। रुक जाओ, धोखेबाज तो हो ही तुम, और अब क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे? This movie is encoded by Dr. Star. She's okay now. You can take her. Thank you, Doctor. Welcome. Phone to utha le. Hostel jao. Theek hai. हाय पापा। क्या बात है पापा, आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा। पापा क्या बात है? एज यूजुअल। आर यू श्योर? बस काम की वजह से, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, राम मुझे ये बता रहा था कि तुमने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे क्या बात हो गई? बताओ तो बेटा। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी ऑफिस की टेंशन है। आर यू श्योर? या। भगवान हमें रोज खाना तो देता है, पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरयानी खानी है कि घास फूस। इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना। वाह, सुपर डायलॉग्स। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना, तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूंगा। अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है? हाँ हाँ, ये मेरे काम की चीज है। अगर आप अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे सुनो। क्या है साहब? मालकिन कहाँ है? अरे वो तो 2 साल पहले ही मर गई ना साहब। अच्छा, सैलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तो 2 घंटे से घर में ही नहीं है ना। कहाँ गई है? छत पर। मजाक मजाक करना जरा बंद करो, नहीं तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगा। हंस क्यों रही हो? मैं तो पहले से ही बाहर हूँ ना साहब। पंच, लंच टाइम पर आना, बताता हूँ तुझे। बेबी, आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूंगा। बेबी बेबी, परफ्यूम कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना इसकी। तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? मुझे पता था कि तुम ही हो। पता था, उसके बाद भी गले लगाया। मेरा वो मतलब नहीं था। शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने, और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ रोमांस करते फिरते हो। बेबी चिल, बेबी व्हाट आर यू टॉकिंग। मैं तो एकदम तरोताजा 2000 रुपए का नोट हूँ। ये बैन हुए 1000 के नोट को क्यों छूऊंगा? सही कहा ना? क्या बोलो? चलो चलो। नमस्ते माँ जी, आप यहाँ कैसे? तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा। अरे माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम किसानों की भूख का कितना ख्याल रखते हो, हम सब के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा? अरे तो सबको खिलाओ ना। सबको खिलाओ, लो बेटा लो। गीता मेरी बात मान ले, आर्या को फोन कर ले, कर लेना। गीता? आर्या। हे गीता, रो क्यों रही हो तुम? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? Thank you.
अरे बस बस दोस्त, यही रोक दो। आर्या कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ नहीं सोचेंगे वो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया। बोलो। हाँ दोस्त हूँ, दोस्त दोस्त सिर्फ दोस्त। अच्छा बाय, चल निकल बेटा। बाय। पापा ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। बेबी डोंट फ्राई क्राई, आई नो। गीता। हाँ? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं? वो दादी। मुझे लगा डॉटर का खिला खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। लुक एट हिम हाउ शाइनिंग। अच्छा पर तुम आई कैसे? दीदी क्या पूछ रही है, क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है ना। पापा आपने कहा था ना लो बीपी हुआ है, ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान हैं। जब से बेंगलुरु से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ पापा बताइए मुझे। दरअसल बेटा अंकिता, डरने की बात नहीं है, भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ। तू चिंता मत कर बेटा। तू जा बेटा, जाके आराम कर। ब्रो पता है तुझे ये सब? ब्रो तू ये भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? पत्नी हाईवे पर पति के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। बेचारी कितनी चोट लगी होगी उसे। अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पति उसे देख लेगा, तू मुझे देखना भाई, मेरी हालत तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है। तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? अगर मैंने पूछा तो तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेगा कि बाथरूम में गिर गया? नहीं मैं तुझे सब सच बताऊंगा। तो बता। मेरी बीवी ने मुझे मारा। क्या बोल रहा है यार, तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहाँ से? उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोपड़ा भी गाड़ा है। अरे दिखा तो। और हाथ पे? मेरी नौकरानी ने मारा मुझे। इतने बुरे दिन आ गए, नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गलती से गले लगा लिया। अबे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है। लगा तो था पर मैंने सोचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया। नहीं नहीं तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भाभी मैंने सुना है कि आपकी नौकरानी बहुत सुंदर है, या अपना पति बदल लीजिए या आपकी नौकरानी। अरे मेरी किताब, किताब कहाँ गई? ये रही। कहाँ जा रही हो? बेंगलुरु जा रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढूंढ लो। बाय। हाँ? तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना, हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई हो? ओहो इतना भी नहीं पता तुम्हें, एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को तो मनाना ही पड़ेगा ना। हाँ?
अब एक और मंदिर है। बस ये आखिरी है, चलो। गीता, क्या हुआ? तुम थक गई हो क्या? ये तुम रो क्यों रही हो? मुझ में ये सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो, ये दिया बुझना नहीं चाहिए। क्यों? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, दिया बुझने मत देना, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान। अरे ये तो बुझ गया। इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अच्छा, अब एक बार फिर से भगवान की प्रार्थना करो। एक बार फिर से? करो ना। हे प्रभु, हे प्रभु, प्लीज 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 दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अरे ये नहीं बुझा। सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना, लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है, और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करें भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, क्या हो रहा है सब? चलो 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 रास्ता छोड़ो। मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया, डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी, तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसीलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा।
मारो उसे। चल 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 आगे, चल सीधे, चल चल चल। क्या किया इसने? ए, क्या किया तूने? सच सच बता। ये कुछ नहीं बोलेंगे सर, इन्होंने साहब के साथ धोखा किया है, धोखेबाज हैं ये इंसान। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल हुआ क्या है, ये सच है? बोल, बता हमें सच क्या है। पैसों के लालच में मुझसे गलती हो गई, मैंने पुलिस और उस वकील का साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पापी, रुक जाओ, रुक जाइए। अगर पैसे ही कमाने हैं ना, तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है, सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए, ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए, मुझसे एक भी सवाल किए बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए। बिना प्रॉफिट की परवाह किए उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए, जिस इंसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इंसान मेरे पापा है। और आप लोग इन्हें धोखेबाज कह रहे थे ना, ये आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, चाहे इन्हें कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों ना करनी पड़े, अपनी आखिरी सांस तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा हैं। एडवोकेट कुलकर्णी को फोन करो, इन लीगल इश्यूज को वही हैंडल करेंगे।
हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर। मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया, अभी बताती हूँ। हम इस तरह का डैम प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं। पर हमने किसानों से उनकी जमीन लीगली खरीदी थी, फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हक लगता है। अभी हम राजनीति के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे। कुछ नहीं कि बात क्या। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रेस्टीजियस है। बात करते करते फोन काट दिया, अभी बताती हूँ। इस तरह का कोई डैम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं। पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा करना होगा। और पापा फोन उठा लो। सॉरी सॉरी। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात मैं है? हॉस्टल में हूँ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। हाँ क्या है? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ बेटा। पापा अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ। बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा, बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्तेदार से करना चाह रहे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था। कुछ बोल नहीं गई बेटा? पापा शादी? हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी बात। उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है विशु। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? अब क्या कह दिया मैंने, इतना ही पूछ रहा हूँ क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, उसे छोड़कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा तो तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? ए, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारे पापा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वैसे मेरे पापा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो, तुम्हारे पापा अलग है मेरे पापा अलग है। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम मुझे पागल कह रहे हो? ठीक है भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना, क्या बात है बोलो। ऐसे ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही। तुमने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है क्या? अब बताओ ना बात क्या है। बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों? उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है इसीलिए। ओह तो तुमने हाँ कह दिया। क्यों हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी? तुम हाँ कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूँ? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना वो हूँ मैं। अपने दिल से पूछ कर देखो, तुम्हें जहाँ कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं। सही कह रही हो, मैं कौन हूँ? हमारे बीच बस दोस्ती थी और कुछ नहीं। देखो गीता तुम कोई बच्ची नहीं हो, मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था। हम दोनों के बीच क्या है बोलो, बताओ क्या है? तो क्या हम दोस्त नहीं है? लो फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक, तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो, यू आर अ चीटर। ए, इंसल्ट करोगे मेरी, मजाक उड़ाओगे मेरा, परेशान करना है मुझे? मुझे पता है उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और एग्जाम हॉल के बाहर सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? छी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। बस छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है, मेरे दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ऐसा नहीं है। मेरे दिल की बात तुम अब सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शौक लग गया, इतनी हैरान मत हो। आई लव यू बोलने के बस 10 सेकंड बाद मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। यस यस आई हेट यू, आई हेट यू। क्योंकि जानती हो तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। जो तुमसे शादी करेगा ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। ए, क्या कहा? बर्बाद? तुम्हारी तरह कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत खास होगा। अच्छा ठीक है, मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे। देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके। जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता, तुम भी देख लोगी।
पापा। हाँ बोलो बेटा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं ये सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना, तू तैयार है ना? हाँ पापा मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है। मैं घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, गाड़ी भेज देता हूँ। ज्योति, गीता ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तू गलती कर रही है, गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता, तो बाद में पछताएगी। आर्या से अच्छा लड़का तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देख मुझे पता है कि तू आर्या से प्यार करती है, और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गीता गीता अपने इस ईगो के चक्कर में ना तेरे दिल में जो आर्या के लिए प्यार है उसे मत मार प्लीज। गीता मत जा यार। गीता ए, मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी, उनके खिलाफ नहीं। गीता गीता आजा बेटा। पापा आजा बेटा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। अच्छी बात है, जाओ। साहब। हाँ क्या हुआ? आर्या। वो कौन है? जी साहब। भाई साहब। आर्या कौन है बेटी? मेरा दोस्त है पापा। बिल्कुल नहीं, उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों पापा? कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे में जान बसती थी। बहुत अच्छे शंकर, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू रमेश। हे, मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया, खा खा मिठाई खा। बस अब बेंगलुरु छोड़कर वापस आ जा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जो मेरा है वो तेरा ही तो है। आ जा, हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे यार। मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बेइज्जती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु में जाकर कोशिश करनी चाहिए। ए, बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, देख रही हो ना माँ, तेरे लिए लड़की भी मैं ही ढूंढूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा, वादा कर। देखा ना माँ कैसे हुक्म झाड़ता है। दोनों ही मेरे बेटे हो, ये हुक्म झाड़ता है तो तुम भी झाड़ो। इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बहन मीरा भी मुझसे दूर है, तो तू फिर से शुरू हो गया, देख रही ना भाभी। देखो तुम दोनों भाई बहन को मैं भला क्यों दूर करूंगा, मीरा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसने तैयारी की, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया, गलत क्या किया? मैं बचपन में मीरा के बगैर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बेंगलुरु में है इसलिए तुझ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां भेजा है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच में। मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया, मैं सोच समझ कर ही
तुम्हें ये बात बता रही हूँ। मैं कल ही इस बारे में नरसिम्हा से बात कर लेता हूँ। भैया को अभी कुछ मत बताना, मेरे एग्जाम्स हो जाने दो। तुम्हें तो पता ही है ना उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर वो नहीं माने तो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगी और मुझे जबरदस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है, कल मैं किसी जरूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस लौटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे, अपना ख्याल रखना। दीर्घायुष्मान भव। क्या हुआ, आज के दिन भी इतने उदास हैं? मीरा की बहुत याद आ रही है मुझे, उसके बिना हर त्योहार बिल्कुल फीका लगता है। पढ़ाई करने बाहर गई है तो अब इतने परेशान हैं। जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका, शादी नहीं करवाएंगे उसकी? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए अपने ही गांव का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास ही इसी गांव में रहे। कहां से ढूंढेंगे ऐसा लड़का? क्यों, हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं है। महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर, ये कौन सा तरीका, अपने मालिक को लूटता है क्या? नमस्ते साहब। विश्वा, ये फरवरी के अकाउंट्स की किताबें हैं, आप ही देख लीजिए, इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है। पर एक बार आप देख तो लेती मालकिन। तुमने चेक कर लिया ना विश्वा? हाँ चेक कर लिया। तुम पर हमें पूरा भरोसा है, जाओ। जी सर। मैं चलता हूँ। ज्योति, कौन है फोन पर? मीरा, बात करवा। मीरा। हाँ भैया, मैं ही हूँ, कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक हैं, पर तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। कितने महीने हो गए तुझे देखे। परसों मैं तुझसे मिलने बेंगलुरु आ रहा हूँ। अब मत आइए भैया। पर क्यों? फिलहाल मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। तो फिर? मैं बाहर कैंप में हूँ भैया। फिर तू हम सबसे मिलने कब आएगी मीरा? कैंप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है भैया, पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी। इसके खत्म होने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। क्या कहा, 3-4 महीने और? हाँ भैया, एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाऊंगी भैया। अच्छा ठीक है, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा कांग्रेचुलेशंस, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी, 3रा महीना चल रहा है तुम्हें। यजमान, लड़के का नाम अभी है डॉक्टर। अच्छा। आपके परिवार के लिए अति उत्तम संयोग है। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिल्कुल मिल रही है। मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने कहा? डॉक्टर है वो। किसने बताया? इसने? पंडित जी, उठिए यहाँ से, ले जाइए सब, जाइए यहाँ से। लड़का अच्छा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हरगिज नहीं करूँगा। वो डॉक्टर है। चाहे कोई भी हो, मुझे ईमानदार और मेहनती लड़का इसी गांव से चाहिए। अब आपको इतना ईमानदार लड़का कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। अभी नहीं विश्वा, तुम जाओ। माल लोड करना है इसलिए। विश्वा, विश्वा। अब बस करो, इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया। साहब कोई गलती होगी तो माफ कर देना, कल से काम पर मत आना। भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए साहब, आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजिए, मैं फिर भी इस घर को छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। विश्वा ऐसा मत कहो, आज से तुम इस घर के नौकर नहीं, परिवार के सदस्य हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तय कर दी है। साहब जी। हाँ विश्वा। माँ, विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। गले लग जाओ। तुम भाई अच्छे होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो। नहीं रे, वो गलत होगा। वो क्यों भाई, जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा का पति घोषित कर दिया है तो परेशानी क्या है? उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसे मिले हो।
भाई भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं है? क्या मतलब इस वक्त वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई होगी? अरे जाके देख ऑटो में कौन आया है। मेरा विश्वा तुम यहां कैसे? ये सब क्या है? ये बात मेरे भैया को मत बताना विश्वा, प्लीज मत बताना। भैया रजिस्ट्रेशन कल सुबह 10 बजे की है। लेकिन उसके बारे में तो मैंने विश्वा क्या हुआ बात क्या है साहब जी? मीरा। हाँ मीरा शंकर। शंकर वो दोनों भाग गए साहब जी। मीरा मेरी बहन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर झुक जाए। शंकर मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। इस परिवार पे मेरे बहुत एहसान है। अगर आपको गलत लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ काट दीजिए आप। साहब जी मेरा प्रेग्नेंट है साहब जी। मीरा प्रेग्नेंट है? मीरा आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है? क्या सुन रहा हूँ मैं सर? सुन रहे हो? मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हां कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा? अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है, पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी बात मान, तू उसे भूल जा। गीता क्या तू आर्या से प्यार करती है? अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा। तूने अभी हाँ कह दिया, पर सारी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा करके चली मत जाना, सबके सामने उनका सिर झुक जाएगा। गीता बस माँ, बचपन से ही उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। वो तो उस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे। मैंने पूरी जिंदगी जिस चीज पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी।
उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। जिसके पास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो, उन्हें मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ, और वो भी अपने प्यार के लिए। माँ, वो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया, जब मैं शायद ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा के दिल को चोट पहुंचाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। माँ, दादी, आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, बिल्कुल श्री राम की तरह, है ना? वो सब झूठ है। कोई जन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी। वो श्री राम है या नहीं इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है। जिंदगी में जरूरी नहीं हम जो चाहे वो हमें मिल जाए। अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही जिंदगी है। डैड, चलो गीता को लेकर आते हैं। आपको गीता के बारे में कैसे पता चला? आर्या, इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी, लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया। गीता कहाँ चली गई भैया? गीता कहीं दिख नहीं रही है। गीता, 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 क्या बात है? ढाई साल पहले अभी तो यहीं थी, जिसने हमें धोखा दिया था ना, आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किडनैप कर लिया है भाई साहब। पर है वो? भाई, 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 कहाँ है तू? बाहर निकल!
क्या आप थक गए? आपको एक बात बताऊं, आपकी बेटी गीता को मैंने किडनैप नहीं किया, आप खुद ही देख लीजिए। चौंक क्यों गए? उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया। आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता। इरा प्यार सच्चा है। ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूँ भैया। शंकर? जी भैया, इनका नाम और आपका नाम एक ही है, शंकर, डॉक्टर शंकर। भैया अकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं, हैं? मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कि अकाउंट्स कैसे बराबर करने हैं। शादी के बाद भी मेरे पास इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे आप ऐसा लड़का? हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं है क्या? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर, अपने मालिक को लूटने चला ये कौन सा तरीका है? ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबें हैं। विश्वा, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, जाओ। क्या कहा? 3-4 महीने और? जी भैया। ठीक है मीरा, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या करेंगे? मुझे ये बच्चा चाहिए। हेलो, मीरा है क्या? हाँ है, एक मिनट, उसे बुलाती हूँ। हेलो भैया। क्या हुआ, इतने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया? भैया वो ऐसे ही। वैसे ही सब ठीक तो है ना? जी भैया। कोई परेशानी हो तो? भैया आप आराम से काम खत्म करके आइए, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है। वो जरूर कुछ परेशानी में है और मुझसे छुपा रही है। भाई कोपरा का पैसा कितना रखूं मैं? कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूंगा। तू बस देखता जा। पर आपको ऐसा लड़का मिलेगा? मैं पूरी कहानी बदल दूंगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी। साहब गले लग जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले ही नरसिम्हा से बात करनी चाहिए थी। भैया पर अभी तुम चुप रहो मीरा, तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ गांव चल रहे हो। भाई भाभी तो असल में है ही नहीं। ए, देख तो ऑटो में कौन आया है। विश्वा, ये सब क्या है? भगवान के लिए ये बात भैया को मत बताना। पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तय की थी ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी शादी मुझसे होनी है। ए, हमारे घर के नौकर हो तुम, मुझसे शादी करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, रोकिए प्लीज। क्या हुआ शंकर? सर मीरा को अकेले लगेज पैक करने में परेशानी होगी, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। सॉरी शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल गया था। कोई बात नहीं सर,
मैं चला जाऊंगा। मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। मीरा, अरे बाप रे, मीरा ये हॉस्टल की चाबी यहीं भूल गई। भाई हॉस्टल जरा वापस चलो। आराम से मीरा। भाई कोई आ रहा है, चलो भागते हैं, चलो। मीरा, 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 ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? शंकर, मीरा, क्या हुआ मुझे बताओ, ये सब किसने किया? विश्व बचा लेना भैया। मैं बचा लूंगा मीरा, बचा लूंगा। डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। भैया को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। मैं कह दूंगा मैं उसे। वो मुझे माफ कर देंगे ना भैया? माफ कर देगा वो, क्यों नहीं करेगा माफ? डॉक्टर जल्दी प्लीज। मुझसे अनजान में गलती हो गई भैया। कुछ नहीं हुआ है मीरा, भैया से माफी मांग लेना भैया। सर सॉरी, हम शंकर को नहीं बचा पाए। हमने बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन किया है, 7 months प्री मैच्योर बेबी। मीरा पक्का मर गया होगा, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, चलो यहां से चलते हैं। एक्सीडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले, 4 लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस बात को तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं, अब 4 हफ्ते से ट्रांस कोमा में थे।
अगर उस दिन मैंने नरसिम्हा को सच बता दिया होता तो तू कभी अनाथ नहीं होता। पर अगर अब मैंने उसे सच बताया तो उसकी बहन विधवा हो जाएगी। ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आंसू से तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा। तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हंसी दिखनी चाहिए। आज के बाद मैं तेरे लिए ही जीऊंगा बस। तो मैं इसे मार दूंगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना, सारी गलती मेरी है, मेरी है। ए चंदन आजा। रुक जा शंकर, रुक जा शंकर, मैं इसे मार दूंगा। तेरी वजह से मैंने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। ये तो उसे अपनी बहन मानता। उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? जिसे अपने परिवार के साथ रहकर जिंदगी की हर खुशियां जीनी चाहिए थी उसे तूने अनाथ बना दिया। वो अपने भाई से माफी मांगना चाहती थी, सिर्फ तेरी वजह से नहीं मांग पाई। बहुत दर्द सहे उसने। मैया से कहना कि मुझे माफ कर दे। No!
जो गलती उस वक्त की है वही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूं। तुम्हारी बेटी, मैं यहां आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था, बस आपको यह बताने आया था कि मेरे पापा धोखेबाज नहीं है, एक सच्चे दोस्त है। शंकर